नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि बाप अगर बड़े पोस्ट पे हो तो बेटे को नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देश भर में बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी हुई है कि पीएचडी के लोग जो है, जो स्वीपर के लिए, जो छोटे जो एकदम ग्रुप डी के स्टाफ के लिए नौकरी मिलती है, उसके लिए आवेदन दिया था और आपको पता होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में चला था। मगर आपके बाप अगर गृह मंत्री है और आपके पिताश्री अगर गृह मंत्री है तो आपको किसी रिप्यूटेड नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी आपके पास खुद ढूंढते हुए आ जाएगी आपको कि कहाँ है जय शाह। आपको पता है कि इंडियन टीम का T20 स्क्वाड का ऐलान हो गया। ऐलान के बाद जो है कुछ नए लोग आए और इसमें सबसे बड़ा कुछ लोगों को लग रहा था कि पल अलर्ट फिर ये हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी को एज अ मेंटर चुना गया और मेंटर जो है कोच के ऊपर होता है। रवि शास्त्री से ऊपर जो है महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे अगर आप जो है संविधानिक तौर से BCCI को देखेंगे। ऐलान तो 15 घंटा पहले हो गया, एक दिन पहले ऐलान हो गया, मगर उसी बीच जो है अमित शाह के माननीय सपुत्र, नाम है जय शाह, जो बहुत पुराने बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हुए हैं, बहुत रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम पर, तो उनको जो है BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया। कल वो टीम अनाउंसमेंट के लिए सामने आते हैं और जो ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं कि शशि थरूर को भी शर्म आ जाए कि क्या बेहतरीन इंग्लिश बोला। पूरे देश भर में शशि थरूर का इंग्लिश को लेकर लोग उसके एलिटिज्म पर सवाल उठाते हैं क्योंकि वो बहुत बेहतरीन बोलता है। मेरे जैसा बंदा जो जामिया से पढ़ा हुआ है वो भी इंग्लिश समझने मुश्किल है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी हल्की है मगर फिर भी मैं समझ जाता हूँ, मगर जो जय शाह ने कल इंग्लिश बोला है वो आप समझ नहीं पाएंगे। जय शाह ने टीम का अनाउंसमेंट किया तो लोग टीम को छोड़कर जय शाह की इंग्लिश की तारीफ करने लगे। वो इंग्लिश आप भी सुनिए और आप समझिए कि अगर आपके पिताजी भी अगर गृह मंत्री होते तो आप बेरोजगार नहीं होते, बिना क्रिकेट खेले हुए BCCI के सेक्रेटरी बन जाते। ये इंग्लिश सुनिए पहले। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टीम इंडिया फॉर देयर वंडरफुल परफॉर्मेंस इन इंग्लैंड। दे शोन रिमार्केबल कैरेक्टर एंड मेड एवरीवन प्राउड। We are up 2-1 in test series and we will do best in fifth test. I shall now announce India's squad for ICC coming T20 World Cup. MS will work closely with Ravi Shastri and other support staff. ये इंग्लिश में जय शाह ने बेहतरीन ग्रामर्स का, बेहतरीन प्रोनंसिएशन का, बेहतरीन तरीके से वर्ड्स का चयन किया। अब सवाल ये है कि जैसे ये इंग्लिश जो है इंडियन क्रिकेट टीम के फेसबुक पेज से जो है वायरल होता है, उस पर कुछ लोग आ जाते हैं बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि इंग्लिश इतनी बेहतरीन बोली जय शाह ने तो जाहिर सी बात है लोग तो आएंगे ही बात करने के लिए। तो जय शाह की इंग्लिश सुनकर कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग फेसबुक पर ज़बरदस्त तरीके से बात करते। टीम में कौन है नहीं है इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है, जय शाह की इंग्लिश को लेकर सबको चिंता है। सबसे पहले आशिक बिल्ला नामी एक व्यक्ति लिखते हैं कि अबे लंगूर। जुनैद हक लिखते हैं ऑनरेबल सन ऑफ मिस्टर अमित शाह। एक लिखते हैं गुंजन शर्मा लिखते हैं कि ये मुँह से सुपारी निकाल कर बात कर रहे बाबा। नसीम शेख लिखते हैं कि ज़बरदस्त इंग्लिश, चार दिन याद करके कर रहा था बेचारा, मतलब अब कितना चाहिए। उसके बाद अब्दुल्ला खान लिखते हैं द सेल्फ मेड सेक्रेटरी ऑफ BBCI कांट इवन रीड प्रॉपरली इवन थ्रू अ टेलीप्रॉम्प्टर। फिर उसके बाद कुछ और है, सैयद दानिश लिखते हैं काव इज अ होली एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क, आई लाइक काव, एवरीवन लाइक्स काव, माय पापा इज बेस्ट पापा, थैंक यू। फिर उसके बाद लिखते हैं कि विवेक व्यास लिखते हैं कि नॉट नोइंग लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली फाइन बट रीडिंग द स्क्रिप्ट इज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद लिखते हैं जफर हुसैन लगता है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि रिहर्सल कर रहा है। उसके बाद एक गाली भी लिखते, खैर वो मैं नहीं सुनाऊंगा। फिर उसके बाद श्रीकांत कार लिखते हैं कि CBSE में 30% पास मार्क्स के पास करने के बाद बच्चों के इंग्लिश ऐसे ही होते हैं। तरुण कुमार सिंह लिखते हैं तड़ीपार का बेटा देख देख कर वर्ड्स को क्रोनोलॉजी समझ रहा है और फिर बोल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि चलिए सेक्रेटरी बना दिया गया जय शाह को, इंग्लिश भी बेहतरीन बोल दी, तो कम से कम टीम का अनाउंसमेंट करने के लिए रवि शास्त्री को ही बुला लेते, या चेयरमैन के तौर प्रेसिडेंट जो है सौरभ गांगुली है तो सौरभ गांगुली से इंग्लिश बोलवा लेते, कम से कम दादा इंग्लिश तो अच्छा बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। वैसे देश भर में बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है, अमित शाह ने अपने बेटे को सेटल कर दिया, रोज़गार मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत इस बात की है कि इंग्लिश अच्छी नहीं हुई है।
द इंडियन खबर के लिए रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।